नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख पिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में आज बात होगी। लोग बहुत सवाल उठा में कि बसपा सुप्रीमो तो बीच में गायब है गई, लेकिन अब उनकी आँख खुल गई हैं, अब उनकी सक्रियता दिख रही है। और सवाल उठा में कि जी कि आखिर बाद में बसपा को जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, उठा में है ना सवाल। बसपा सुप्रीमो के बाद में उत्तराधिकारी कौन होगा, और यह तो अलग बात होगी वीडियो में कि बसपा सुप्रीमो ने नई युवान की टीम बनाई है। वह टीम में दो चेहरा तो आपको याद होंगे, आकाश आनंद, कपिल मिश्रा। लेकिन यह में थोड़ी सी और चर्चा होगी, अगर ऐसो है जा तो बहुत बढ़िया हो। तो कैसो अगर यह में जिग्नेश मेवाणी, जो बड़गांव ते गुजरात ते निर्दलीय विधायक है, और कौन, कन्हैया कुमार। लेकिन अब बुरी बात ये है कि कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी गे जा रहे हैं कांग्रेस में, जा को जहाज ही डूब गए। कांग्रेस को तो डूब तो जहाज है, वहाँ में जा रहे हैं। एक तो हो के कुल्हाड़ी में पाम लग गो, और एक है गो पाम में दबा के कुल्हाड़ी मारी। बात को समझ गए, मतलब ये पाम खुद कुल्हाड़ी पे मानने वाली बात है। और चंद्रशेखर महाराज ने अलग पार्टी बना ली, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन तो हुई है ना, कंफ्यूज तो हुई हैं। अब इनते कोई यूँ पूछे कि सगरे के सगरे अगर दिमाग के अपने बांध के थोड़ो धैर्य रखते, और धैर्य रखते तो बढ़िया स्थिति है सके या ना है सके। भाई बसपा सुप्रीमो अपनो दिल्ली देखती, और जो है क्या नाम है आपको कन्हैया कुमार बिहार देख तो, जिग्नेश अपनो गुजरात देख तो, और चंद्रशेखर अपनो जो है क्या नाम है तुम्हारा उत्तर प्रदेश है देख तो, और बसपा सुप्रीमो दिल्ली देखती तो बहुत बढ़िया रहे तो। लेकिन क्या है कि सबे बहुत ज़्यादा जल्दी है, इंतजार ना काई के भी, काई के इंतजार ना है, सबे बस ये कि तुरंत अभी के अभी होना चाहिए। अरे भाई थोड़ी तसल्ली रखते उनका। अब जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है साहब कि जो है कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने सेटिंग बिठाई है, उन्होंने सेटिंग बैठा के वो कोशिश करी है कि उन्होंने जो है जिग्नेश मेवाणी को और जी तुम्हारे कन्हैया कुमार को वो कांग्रेस में ला रहे हैं, और कांग्रेस में लाने के बाद में फिर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। 5-6 महीना बाद में उत्तर प्रदेश को इलेक्शन है, इलेक्शन में वो अपनों आए के यहाँ की जिम्मेवारी निभाएंगे कांग्रेस की लंगते। थोड़ी बहुत देर में घोषणा है जाएगी। बिल्कुल सूत्रन के हवाले से खबर है कि बस घंटा दो घंटा में वो अपनों कहाँ वागू बीजेपी माफ़ करो वागू क्या नाम है तुम्हारे कांग्रेस को जो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन अब इनते जो पूछे कि अगर कि अपना थोड़ा दिमाग है बांधते, सही जगह पे आते, सही चीज़ को पहचानते तो स्थिति और बढ़िया है सके। पर चलो कोई बात ना, फिर भी बसपा सुप्रीमो कोई कमज़ोर थोड़े ही है। अब गे आएंगे तो यहाँ मानो डूबते जहाज को कितनों ऊपर उठा सकें, कितनों बचा सकें। पर कांग्रेस को तो अस्तित्व ख़त्म है रो यहाँ उत्तर प्रदेश में, 3 महीना 13 में बीन बजावे डेरा में, बस कितनों उछाल लेंगे कितनों बचा लेंगे, आप भी समझ रहे होगे बात को। और रही बात चंद्रशेखर की, धैर्य नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है काम तुम भी सही कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब क्या होगा, मानो एक आध सीट आ गई तो वह दिखा होगा कछु ना हो, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
अभी टाइम है 5-7 महीना को, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कछु भी हो सके, राजनीति तो ऐसे ही हो, कभी भी नमस्ते कर लें एक दूसरे से, समझ गया बात तू? तो अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अभी तक की स्थिति के हिसाब से ये स्थिति लग रही है। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो ने बिल्कुल सिलसिलेवार जवाब दिया है, ठीक है, कि उनको स्वास्थ्य बिल्कुल टन टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है, या कोरोना काल में भरपूर कोरोना हुआ पब्लिक को, लेकिन बसपा सुप्रीमो पे कुदरत की मेहर रही कि कोरोना वोरोना कछु नहीं हुआ, कुदरत की बहुत बड़ी रहम रही और वो बिल्कुल स्वस्थ है। और उनकी सक्रियता आप देख ही रहे हो खबर के माध्यम से, और चैनलन पे भी देख रहे होगे और स्वराज टाइम्स पे भी देख रहे हो, तो भरपूर सक्रियता है उनकी और अच्छी मेहनत कर रही हैं, अच्छी मेहनत कर रही हैं, और जो पूरा कैडर है वो भी अच्छी मेहनत कर रहे हो, और आप लोग भी अच्छी मेहनत कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग भी। उन्होंने ये भी जवाब दे दियो है कि जो लोग सवाल उठावे कि भाई उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कही है कि अभी मेरे स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया है, जब मेरे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी तो मेरे जो उत्तराधिकारी होगा मैं घोषित कर दूँगी। और एक चीज़ और मैं ख़ास बता दूँ कि जो मेरा उत्तराधिकारी है वो दलित समाज से ही होगा, बिल्कुल स्पष्ट कर देगी, और वीडियो में भी आप देख ली हो, थोड़ी देर बाद में वीडियो चलेगी वहाँ मैं भी देख ली हूँ जो उन्होंने कही, ठीक है। तो आप जिनके दिमाग में कन्फ्यूज है वो अपनों अपनों कन्फ्यूज लिखा दो, सब चीज़ बिल्कुल क्लियर क्लियर उन्होंने कह दी है, ठीक है। आपको ये खबर कैसी लग रही है ये आपको बताने को फर्ज है, ठीक है। और अच्छी खबर लग रही है तो याकु लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर रहे हो, कर रहे हो, मान रहे हैं आपकी बात को, आप लगातार कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कहने को, ठीक है। और आपको काम है ठोकने को, ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचाते रहो, 5-6 महीना को वक्त बचो है, या मेहनत कर लो थोड़ी सी, और मेहनत करोगे तो फल देगी कुदरत, ठीक है, हमें भी देगी और आपको भी देगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।